हाउ एफिशिएंसी इज इंप्रूव्ड इन केस ऑफ रीट. सी समवन इज जॉइन. यस विशाल जी गुड मॉर्निंग. सो टुडे वी आर टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ रीहीट टू बी सॉल्व्ड. एग्जांपल में ये दिया गया है कि एक स्टीम टरबाइन है जो वर्क कर रहा है 20 बार प्रेशर से लेके 4 बार प्रेशर तक. तो मैं यहां पर अभी TS डायग्राम बना रहा हूं रीहीट साइकिल के लिए फॉर अ गिवन रीहीट साइकिल. So for a given reheat cycle, this vertical line will represent pump work. This inclined line will represent boiler, and boiler ends over here. So this is 4-1, and this is 1-2 point. Now, from this 2 point, steam turbine came into picture. And from this 2 point, the steam turbine expanded up to 4 bar. This 2 point is at which bar? This 2 point is at 20 bar pressure. And it is expanded up to which point? It is expanded up to 4 bar pressure. So this is 4 bar. બધું દેખાય છે ને ક્લિયરલી? ક્યાંય પ્રોબ્લેમ નથી થતો? ઓકે, ધેન ઇટ ઇઝ ફર્ધર એક્સપાન્ડેડ અપ ટુ 0.05 બાર. ઓર ફિર कंडेंसर की प्रोसेस एग्जिस्ट होती है. सो दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर आई कैन से 2 days, दिस इज पॉइंट नंबर 2 double days एंड दिस इज पॉइंट नंबर 3. तो जो फर्स्ट टर्बाइन है वो किसके बीच में है? पॉइंट नंबर 2 and 2 days. एंड सेकंड टर्बाइन है वो किसके बीच में है? 2 double days एंड 3. अब हम सारे डेटा देख लेते हैं कि क्या क्या डेटा दिए गए हैं एज पर दिस डायग्राम. हमें क्या क्या चीजें दी गई है. स्टीम टर्बाइन सप्लाइड स्टीम एट 20 बार एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा ये स्टेटमेंट? ये किस पॉइंट के लिए वैल्यू है एज पर द डायग्राम? कोई कह सकता है ये किस पॉइंट के लिए वैल्यू है? पॉइंट नंबर 1 to 2 में मुझे कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा. P1 या P2. 2. वेरी गुड. 2. स्टीम टर्बाइन सप्लाइड है. सप्लाइड यानी उसको दी जा रही है. स्टीम टर्बाइन को इनपुट मिल रहा है. इनपुट क्या मिल रहा है? प्रेशर 20 बार एंड टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड. सो P2 इज गिवन. P2 इज इक्वल टू 20 बार एंड T2 इज इक्वल टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड.
Okay. After that, steam has expanded to 4 bar. अब ये किस पॉइंट के लिए बात हो रही है? 2 dash. Exactly. So, can I say that? What should I written? जैसे मैंने यहाँ पर P2 लिखा, तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पर? P2 dash is equal to 4 bar. Then it is reheated to 395 degree centigrade, which temperature it is? 2 double dash. Exactly. Chintan, samajh mein aave chhe? You are not present in that lecture, so that's why. It is reheated. Okay. So it is reheated to 395 degree centigrade means T2 double dash is equal to 395 degree centigrade and expanded to 0.05 bar. Which pressure? 3. So P3 is equal to 0.05 bar. Exactly. Determine. Okay. There is a spelling mistake. Determine thermal efficiency. So we need to define thermal efficiency of the overall Rankine cycle and mass of steam. So I am representing mass of steam as m dot. Expansion efficiency of both the turbine, whether it is turbine number 1 or 2. So expansion efficiency of both the turbine, I am writing it as a efficiency of E1, turbine 1, and efficiency of turbine 2 is equal to 75%, means 0.75. Now anyone out of you can say me what is the equation of efficiency? Have you remember what is the efficiency equation? Efficiency is equal to output divided by input. Good morning, Anil ji. So efficiency is equals to output divided by input. So what is output in this case? What is output in this case? आउटपुट वैसे भी हम क्या लेते थे? बोलिए, कुछ तो बोलिए, आपके दिमाग में कोई ना कोई तो आंसर होना ही चाहिए. नो आंसर. सुन तो पा रहे हो ना मुझे? ये सुनाई भी नहीं दे रहा है. हाँ, ओके. मुझे ऐसा लगता है कि फिर सुनाई भी नहीं दे रहा है, इसलिए कोई आंसर नहीं आ रहा है. ओके. तो एफिशिएंसी के लिए आउटपुट चाहिए, और आउटपुट क्या होता है? नेट वर्क डन. अगर यहां पर एक ही टरबाइन यूज किया गया होता, एक ही टरबाइन यूज किया गया होता, तो आउटपुट यानी नेट वर्क डन को हम क्या कहते हैं? वर्क डन बाय द टरबाइन माइनस वर्क रिक्वायर्ड बाय द पंप. Is it so? सही बात है या कोई डाउट है यहां पर? ओके. सो नाउ वी रिक्वायर्ड वर्क डन बाय द टर्बाइन इन दिस केस. कहां से मिलेगा? तो वर्क डन बाय टर्बाइन नंबर 1 प्लस वर्क डन बाय टर्बाइन नंबर. अब हमें चाहिए, यह भी समझ में आ गया ना इक्वेशन? कहीं पर भी ना समझ में आ रहा है तो पूछिएगा. अब हमें चाहिए वर्क डन बाय द टर्बाइन नंबर 1, वो कहां से मिलेगा हमें? कोई कह सकता है किस तरीके से मिलेगा वर्क डन बाय द टर्बाइन नंबर 1? नो.
इसके दो तरीके हैं। एक तो है स्टीम टेबल, पहले स्टीम टेबल कहाँ, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किस तरीके से, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वर्क डन बाय द टरबाइन, WT1, व्हाट इज इट्स इक्वेशन, द इक्वेशन इज H2 - H2 dash, वेर H रिप्रेजेंट व्हाट, H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पता है, एज को क्या कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, हम ये चीज दोनों चीज पढ़ चुके हैं। एच मीन्स स्पेसिफिक एंथाल्पी, जब मैंने आपको पढ़ाया था इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तब मैंने इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंथैल्पी इस पे डिस्कशन किया था। फिर ये भी बताया था कि इंटरनल एनर्जी मीन्स MCV ΔT, स्पेसिफिक एंथैल्पी, एंथैल्पी मीन्स MCP ΔT, स्पेसिफिक है तो M1 लेना है। याद आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा है तो ओके, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ द एंथैल्पी। सो एंथैल्पी का डिफरेंस हमें बताएगा कि कितना वर्क डन हुआ है, बट इन टर्म्स ऑफ एंथाल्पी का यूनिट क्या रहता है, इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। चलिए फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं मोलियर डायग्राम को किस तरीके से देखा जाता है, या फिर स्टीम टेबल में से हम डेटा किस तरीके से ले सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मोलियर डायग्राम, के मोलियर डायग्राम से फॉर अ गिवन प्रेशर एंड गिवन टेम्परेचर किस तरीके से हम डेटा ऑब्टेन कर सकते हैं। सो मोलियर चार्ट, जस्ट अ मिनट, मैं आपके सामने एक नई स्क्रीन शेयर करूंगा जहां पर मोलियर डायग्राम दिया गया होगा। अगर आपके पास बुक है थर्मोडायनामिक्स और की, और उसके पीछे अगर मोलियर डायग्राम दिया गया है तो उसे ओपन करिए। किसी किसी के पास बुक है थर्मोडायनामिक्स की, कितने लोगों के पास है? नो मैं आपके लिए एक बुक भी भेजूंगा आज व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, डाउनलोड कर लीजिएगा, दूसरों को शेयर मत कीजिएगा। नाउ हियर इट इज, चलिए जगह बनाते हैं पहले। देखते हैं मोलियर चार्ट को, यहां पर पेस्ट करते हैं मोलियर चार्ट। आर यू एबल टू सी द मोलियर चार्ट नाउ एवरीवन? थोड़ा सा इसको खींच के बड़ा कर देता हूं, जितना बड़ा हो पाएगा उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगी चीज। तो यहाँ पर डिजिट दिखाई दे रहे हैं आपको, जो 3000 4000 लिखा हुआ है, सारी चीजें दिखाई दे रही है क्लियरली? हमें कौन से प्रेशर और कौन से टेम्परेचर पे वैल्यूज चाहिए, तो हम पहले, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कौन से टेम्परेचर और कौन से प्रेशर से हमें H2, एक्चुअली हम क्या डिफाइन, क्या ढूंढ रहे हैं,
डब्ल्यू टी वन वर्क डन बाय द टर्बाइन वन, और वो क्या है एच टू माइनस एच टू डेस। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एच टू की वैल्यू, एच टू की वैल्यू कितनी रहेगी और एच टू एक्चुअली है कहां पर। देखिए मोलियर डायग्राम और या मोलियर चार्ट वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर की वैल्यू यहां पर ये चार्ट में दी गई है मेगा पास्कल में। देखो मैं यहां पर बाउंड्री बनाता हूं, ओके प्रेशर की वैल्यू ये है, प्रेशर की वैल्यू जो दी गई है मेगा पास्कल में, और यहां पर है एंथाल्पी की वैल्यू जो है किलो जूल पर केजी में। अगर आपको दिखाई ना दे रहा है तो समझ लीजिएगा स्पेसिफिक एंथाल्पी की वैल्यू दी गई है किलो जूल पर केजी में, और बीच बीच में जहां पर भी लाइंस है वहां पर सभी जगह पर टेम्परेचर दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर है। जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर टेम्परेचर क्या है 600, यहां पर है 700, यहां पर है 800, तो सारे टेम्परेचर्स की लाइन है। और राइट हैंड साइड पे ये रहा राइट हैंड साइड है, यहां पर क्या है यहां पर एंट्रोपी है, एंट्रोपी ओके समझ में आ रहा है। डायग्राम डायग्राम की तीन अक्सिस है, दो नहीं है, आ रहा है समझ में डायग्राम, यस और नो। प्रेशर लेफ्ट हैंड साइड की एक्सिस पे, बॉटम एक्सिस पे क्या है एंथाल्पी, राइट हैंड साइड की एक्सिस पे क्या है एंट्रोपी, एंट्रोपी एस, और ये तीनों को मिला के बनता है मोलियर डायग्राम, और साथ में एक टेम्परेचर की लाइन है बीच में। सो नाउ वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट टू प्रॉपर्टीज आउट ऑफ दिस थ्री, हमें कोई भी दो प्रॉपर्टी चाहिए आउट ऑफ प्रेशर स्पेसिफिक एंथाल्पी एंड एंट्रोपी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी। कोई भी दो प्रॉपर्टी मिलेगी तो हम तीसरी प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, कौन सॉरी तीन में से नहीं चार में से कोई भी दो प्रॉपर्टी चाहिए। कौन कौन सी चार प्रॉपर्टीज है, एक तो है प्रेशर, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है एंट्रोपी एंड फोर्थ है एंथाल्पी। ये चार में से अगर कोई भी दो प्रॉपर्टीज हमारे पास रही, एनी टू प्रॉपर्टीज फॉर अ गिवन पॉइंट, तो वी आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी थर्ड प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू रही तो मैं एंट्रोपी और एंथाल्पी दोनों निकाल सकता हूं, अगर मेरे पास एंट्रोपी और एंथाल्पी की वैल्यू रही तो मैं टेम्परेचर और प्रेशर भी निकाल सकता हूँ आउट ऑफ इट। सो दैट इज वॉट फॉर वॉट पर्पज मोलियर डायग्राम इज यूज। तो मोलियर डायग्राम पे आते हैं, और यहां पर सबसे पहले हमें डिफाइन करना है कि टू नंबर के पॉइंट के लिए हमें क्या क्या दिया गया है। तो टू नंबर के पॉइंट के लिए हमें दिया गया है नंबर वन थिंग इज प्रेशर एंड नंबर टू थिंग इज टेम्परेचर, क्लियर। सो फॉर 20 बार प्रेशर एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच टू। So I am writing here for 20 bar pressure P is equal to 20 bar and T is equal to 400 degree centigrade. Hello, Chetan, are you there? Hello, is there anyone? Hello.
શું થયું? ખબર નહીં, મારા વોઇસ તમારો ચાલી ગયો, કઈ અવાજ નથી આવતો, ચોટી ગઈ હતો. હવે જરાક રીજોઇન કરી જો એનામાં જ. હા, એ જ લિંક ઉપર. હા, એ જ લિંક ઉપર. ઓકે સર. હેલો હેલો. ઓકે, અને સ્ક્રીન દેખાય છે? ઓકે, આવું થાય તો મને જણાવો. હાલી કેમ જાઓ છો? મને ખબર નથી પડતી શું થઈ. ઓકે, ઓ બે જણા પણ ચાલ્યા ગયા છે લેક્ચરમાં. ચલો, ઇટ ઇઝ ઓકે. આવું કંઈક તો થતું જ હોય છે, ટેકનિકલ એરર ઓનલાઈન ક્લાસીસ. ઓકે, સો ફોર પ્રેશર 20 bar. સો લેટ સી વેર 20 bar ઇઝ રિટન હિયર. સો ફોર અ પ્રેશર 20 bar, જુઓ પ્રેશર 20 bar ની લાઈનને હવે હું હાઇલાઇટ કરું છું. કયા કલરથી કરશું આપણે? કંઈક અલગ દેખાવું જોઈએ. સો વી વિલ હાઇલાઇટ ઇટ વિથ રેડ કલર. So pressure 20 bar, where it is? Here it is. થોડો ઘણો ડાર્ક પણ કરું. દેખાણી 20 bar ની લાઈન હાઇલાઇટ કરી, પણ આ 20 મેગા પાસ્કલ ની લાઈન છે, આ 20 bar ની લાઈન નથી. ધ્યાન રાખજે, એટલે જ મેં જાણી જોઈને ખોટી લાઈન બનાવી. આ પ્રેશર આપેલું છે મેગા પાસ્કલમાં. સો મેગા પાસ્કલ અને બાર વચ્ચે શું ડિફરન્સ થાય? 20 bar ને મેગા પાસ્કલમાં કન્વર્ટ કરવું તો કેવી રીતના થાય? ઓકે, બાર માંથી પાસ્કલ નું કન્વર્ઝન, 1 bar ઇઝ ઇક્વલ ટુ હાઉ મચ પાસ્કલ? ઓકે, સો 1 bar એટલે 20 bar ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10^5 પાસ્કલ. 20 × 10^5 પાસ્કલ. 1 bar ઇઝ ઇક્વલ, હા, એક બાર એટલે 10 અને પાછળ 3 મીંડા, એ નહીં, 1 lakh. હા, 1 lakh પાસ્કલ થાય એક બાર એટલે. સો 20 bar ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20 × 10^5 પાસ્કલ. હવે એને 10^6 વડે ભાગી નાખવાનું. શા માટે? ઇન ઓર્ડર ટુ કન્વર્ટ ઇટ ઇન્ટુ મેગા પાસ્કલ. સો ઇટ ઇઝ 2 × 10^6 ડિવાઇડેડ બાય 10^6. આટલા મેગા પાસ્કલ થશે, એટલે હાઉ મચ? 2 મેગા પાસ્કલ. ગેટિંગ? મેગા મીન્સ 10^6, મેગા મીન્સ 10^6, કિલો મીન્સ 10^3, એન્ડ ગીગા મીન્સ 10^9. સો મેગા પાસ્કલ મીન્સ 10^6 પાસ્કલ, કિલો પાસ્કલ મીન્સ 10^3 પાસ્કલ, એન્ડ ગીગા પાસ્કલ મીન્સ 10^9 પાસ્કલ, એન્ડ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10^5 પાસ્કલ. સમજાઈ ગયું કે ડાઉટ? ઓકે, કિલો એટલે 10^3, બાર એટલે 10^5, મેગા એટલે 10^6, ગીગા એટલે 10^9. ઓકે, તો આપણે કેટલા મેગા પાસ્કલ ઉપર અત્યારે ફોકસ કરવાનું છે? ચેતન, કેટલા મેગા પાસ્કલ ઉપર ફોકસ કરવાનું છે? 2 મેગા પાસ્કલ. તો મને 2 મેગા પાસ્કલ ની લાઈન જોઈએ છે, જેના ઉપર મારું કોન્સન્ટ્રેશન છે. સો 2 મેગા પાસ્કલ ની લાઈન ને હું હાઇલાઇટ કરું છું. હિયર ઇટ ઇઝ ધ લાઈન ઓફ 2 મેગા પાસ્કલ. And at which temperature? 400 degree centigrade. તો હું ચેક કરું છું લાઈનને કે 400 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડની લાઈન ક્યાં છે. તો 400 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડની લાઈન, એને હું હાઇલાઇટ કરીશ.
બીજા કોઈ કલરની. સો હિયર ઇટ ઇઝ. જો દેખાડું આ 400 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડની લાઇન છે, જો દેખાતી હોય તો. આ ટેમ્પરેચર કર્વ કહેવાય આને. સો ટેમ્પરેચર કર્વને હું રિપ્રેઝન્ટ કરી રહ્યો છું. અહીંયા જ્યાં રાઉન્ડ કરું છું ત્યાં 400 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ લખેલા છે, દેખાય છે. ઓકે, તો આ લાઇનને આપણે મેચ કરાવીએ છીએ જે આપણી 2 મેગા પાસ્કલની લાઇન છે ત્યાં કને. આ થઈ ગયું મેચ. તો આપણી પાસે પોઈન્ટ ઓબટેન થયું. લેટ મી હાઇલાઇટ ઇટ. સો ધીસ ઇઝ અવર રિક્વાયર્ડ પોઈન્ટ. આ પોઈન્ટ મળ્યું આપણને. સો ધીસ ઇઝ અવર રિક્વાયર્ડ પોઈન્ટ. આ પોઈન્ટ ઉપરથી આપણને પ્રોપર્ટી જોશે. આપણે કઈ પ્રોપર્ટી શોધવા માટે આ બધું કર્યું? આપણે શું શોધવું હતું? આપણે વોટ વી વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ. હિયર ઇટ ઇઝ, વી વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી વેલ્યુ ઓફ. યસ. સો ધીસ પોઈન્ટ રિપ્રેઝેન્ટ વોટ? ટુ. આ પોઈન્ટ શું રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે? પોઈન્ટ નંબર ટુ. આ ડાયાગ્રામ જ છે. જો એકચ્યુઅલી જોઈશ ને તો આ જ ડાયાગ્રામ છે જે આપણે ઉપર બનાવ્યો છે. આર્યો કવ, અને આ કવની બારે ટુ નંબરનો પોઈન્ટ આપણે ઉપર દેખાડ્યો. ઉપર ભલે ટીએસ ડાયાગ્રામ છે પણ તું સિમિલારિટી જોઈ શકીશ. આ કવ, આ કવની બારે પોઈન્ટ નંબર ટુ. સમજાય? જે આપણે ડાયાગ્રામ બનાવીએ છીએ એકચ્યુઅલી છે જ, એક્ઝિસ્ટ જ કરે છે, બસ ખાલી આપણે એને ફિગરમાં બનાવીએ છીએ, આપણા હાથેથી બનાવીએ છીએ. તો આ જ રહી સેમ ટુ સેમ, આ પોઈન્ટ નંબર ટુ રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે ઇન ધ સેમ મેનર. ઓકે, નાવ ફોર ધીસ પોઈન્ટ નંબર ટુ વી રિક્વાયર્ડ એચ ટુ વેલ્યુ. સો હાઉ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ એચ ટુ વેલ્યુ? આ પોઈન્ટ નંબર ટુને વર્ટિકલ ડાયરેક્શનમાં નીચે લઈ લેવાનું. કલર ચેન્જ કરવો. સો ધીસ પોઈન્ટ નંબર ટુ દેખાય છે આ લાઈન મરૂન કલરની. આપણે 3000 છે અને અહીંયા 4000 છે. સો નાવ વી નીડ ટુ ડિસાઈડ વોટ ઇઝ ધી વેલ્યુ ઓફ ધીસ પોઈન્ટ. સો 3000 અને 4000 ની વચ્ચે કેટલા આપણને વેવ્સ આપેલા છે? જો આ 3000 સેમ વેલ્યુ ઉપર પણ લખેલી છે, આ 4000 ને એની વચમાં 1 2 3 4 અને 5 લાઇન્સ આપેલી છે. તો પર લાઇન હું કેટલું કહી શકું કે આ આ લાઇન અને આ લાઇન વચ્ચે કેટલું છે વેલ્યુ એન્થાલ્પીનું? 200. પરફેક્ટ, નિશાત ભી જોઈન્ટ હો ચુકે હૈ. તો 200. તો યહાં પર દેખીએ, યે જો પોઈન્ટ આ રહા હૈ, હમારા જો પોઈન્ટ આ રહા હૈ, વો એક્ઝેક્ટલી મેને જો લાઇન બનાઈ વો એક્ઝેક્ટલી ઉસી લાઇન પે શાયદ. દેખીએ, જો પોઈન્ટ નંબર જો 2 આ રહા હૈ ના હમારી, વો એક્ઝેક્ટલી ઇસી લાઇન પે 200 વાલી લાઇન પે નજદીક હૈ. તો મેં યે કહે સકતા હું, અગર મેં ઇસી કો એક્સપાન્ડ કરું, દેખીએ યહાં પર હી મેચ હો રહા હૈ. સો ઇટ ઇઝ વેરી નિયરર ટુ 200. સો દેટ્સ વાય આઈ એમ સેઇંગ દેટ ઇટ ઇઝ 3200 કિલો જૂલ પર કેજી ઓફ એન્થાલ્પી. એની ડાઉટ?
हाँ 200 के से आया। ओके, ये 3000 और 4000 के बीच में कितने हमारे पास लेवल्स हैं? देखिए वन, ये लाइंस देखिए, वर्टिकल लाइन 1 2 3 4। ओके, सो एवरी लाइन रिप्रेजेंट 200 डिस्टेंस, मींस दिस लाइन रिप्रेजेंट 3200, दिस इज 3400, दिस इज 3600, दिस इज 3800 एंड 4000, एंड अवर पॉइंट लाइज ओवर 3200 लाइन, दैट्स व्हाई आई एम रिटन हियर, इट इज नियर अबाउट 3200। एक्चुअली ये 3200 से थोड़ा सा ज्यादा है, बट इट इज नियर टू 3200, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग 3200 एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर अ गिवन एंथैल्पी वैल्यू। सो अवर H2 वैल्यू विल बी ऑब्टेन, दैट इज इक्वल्स टू 3200 किलो जूल पर केजी। अगर मैं ये चार्ट आपको भेजूं तो क्या अब आप मुझे बाकी की वैल्यूज निकाल के दे सकते हैं? देखिए आपके लिए छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, पहले तो मैं आपके साथ ये चार्ट भेज देता हूं आपको। मोलियर डायग्राम और वेब फोर्थ से ये मैंने मोलियर डायग्राम आपके साथ शेयर कर दिया। अब आपको क्या करना है वो समझा देता हूँ। व्हाट्सएप में मैंने आपके साथ शेयर किया मोलियर डायग्राम को, अब आपको क्या करना है वो समझाता हूँ। यू नीड टू डिफाइन, अब हमें करे चाहिए क्या, हमें देखिए डब्ल्यू टी वन चाहिए और डब्ल्यू टी टू चाहिए। सो डब्ल्यू टी वन के लिए हमने क्या किया, एच टू माइनस एच टू डेस, और उसमें से एच टू की वैल्यू तो निकाल ली 3200 किलो जूल पर केजी। अब हमें चाहिए एच टू डेस की वैल्यू, तो एच टू डेस की वैल्यू कहां से मिलेगी, चलिए बताइए, एनी कमेंट? एच टू डेस के लिए क्या क्या दो वैल्यूज दी गई है? हेलो, आर यू एबल टू हियर मी? हाँ, तो एच टू डेज के लिए क्या वैल्यूज दी गई है, विच वैल्यूज आर अवेलेबल फॉर एच टू डेज? नो, एच टू डेज नॉट एच थ्री, पहले टर्बाइन की बात हो रही है, पहला टर्बाइन कहां से कहां तक वर्क कर रहा है? फोर बार, यस, प्रेशर दिया गया है 4 बार, बट टेम्परेचर नहीं है हमारे पास। टेम्परेचर है क्या, कोई नहीं है, तो टेम्परेचर क्या लेना है हमें, सेचुरेशन टेम्परेचर। ये भी लिखा देता हूं, सेचुरेशन टेम्परेचर। सेचुरेशन टेम्परेचर मींस जहां पर ये कर्व राइट हैंड साइड वाला कर्व एंड हो रहा है, वो कर्व, वो सेचुरेशन गैसियस लाइन है। तो चलिए 4 बार के लिए, चलिए 4 बार को पहले हम प्रेशर में कैसे लिखेंगे, एच टू डेज डिफाइन करते हैं, एच टू डेज ऑन 4 बार। तो 4 बार को पहले मुझे मेगा पास्कल में कैसे डिफाइन करना है, कम ऑन चेतन, नाउ यू कैन डू इट। 4 × 10⁵, दैट इज पास्कल, हाँ पास्कल, बट मेगा पास्कल में चाहिए, तो नहीं, यहां पर मैंने देखिए 20 × 10⁵ था, इसलिए 2 × 10⁶ लिखा, समझो बात को। तो यहां पर 4 × 10⁵ है, तो 4 × 10⁵ जो भी वैल्यू है उसी को डिवाइडेड बाय 10⁶ करना है। ये देखिए 20 × 10⁵ है, इसलिए मैंने 2 × 10⁶ लिखा। आर यू गेटिंग इट?
20 into 10 raised to 5 तो 2 into 10 raised to 6, तो जो 20 का जो 0 था ना उसको मैंने 10 के मल्टीपल्स में ले लिया था. सो डोंट बी कंफ्यूज ओवर हियर, जो वैल्यू है उसी वैल्यू को 10 raised to 6 से डिवाइड करोगे तो मेगा पास्कल बनेगा, पास्कल की जो वैल्यू है उसमें से. सो इट इज 0.4 मेगा पास्कल, करेक्ट. सो 4.4 मेगा पास्कल, 0.4 मेगा पास्कल की लाइन वापस ड्रॉ करते हैं यहां पर. चलिए ये रही 0.4 मेगा पास्कल की लाइन. दिखाई दे रही, और उसको मैंने कहां तक टच करवाया, देखिए मैंने जहां तक टच करवाया ना वही पॉइंट हमें चाहिए, यही पॉइंट हमें चाहिए, यही पॉइंट हमें चाहिए. ये हो गया उसका सेचुरेशन पॉइंट, ये हो गया उसका सेचुरेशन पॉइंट, और ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 2 days को. अब हमें वहां से क्या चाहिए, H2 की वैल्यू चाहिए, तो हम वहां से वर्टिकल डाउनवर्ड लाइन लेंगे. कोई डाउट है कि मैंने सेचुरेशन पॉइंट ही क्यों लिया? एनी डाउट निशद? चलिए नहीं डाउट है फिर भी मैं आंसर दे देता हूं. कहां चला गया? ओके, सेचुरेशन पॉइंट अगर नहीं लेते ना तो क्या होता, टर्बाइन के अंदर कैविटेशन होता. क्या होता? कैविटेशन. इन ऑर्डर टू अवॉइड कैविटेशन हमें एक्सपांड कब तक करना है, जब तक वहां पर सेचुरेशन टेम्परेचर नहीं आ जाता है, उससे ज्यादा कम नहीं करना है. अगर सेचुरेशन टेम्परेचर से टेम्परेचर कम हो गया तो कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और कंडेंसेशन होने की वजह से वेपर, वाटर वेपर पार्टिकल्स फॉर्म होंगे टर्बाइन की सरफेस पे, और टर्बाइन की सरफेस पे वाटर वेपर पार्टिकल फॉर्म होने की वजह से कैविटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. सेचुरेशन टेम्परेचर मीन्स द टेम्परेचर एट विच द गैसियस फेज एंड वेपर फेज कोएग्जिस्ट. यानी सेचुरेशन टेम्परेचर पे आपको, सेचुरेशन टेम्परेचर से जैसे ही नीचे जाएंगे तो लिक्विड में कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाएगा. सेचुरेशन टेम्परेचर से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो सुपर हीटेड स्टीम बनना चालू हो जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके ओके. सो नाउ दिस वैल्यू is lies between 2000 and 3000. Can anyone say me what should be the value of this point? See here, it is 2000. Now this one represent 2200. This one represent 2400. This one represent 2600. This one represent 2800. So it is lies between 2600 and 2800. How much it is? Any doubt? Got it? How to find out value from the Mollier diagram? Is it clear? How to read this diagram? What are the values are given in this diagram? Means how to define temperature, how to define entropy, how to define enthalpy and how to define pressure. ये चार चीज आपको समझनी है. नहीं समझ में आ रहा है तो आज थोड़ा सा, शाम को, दोपहर को, जब भी फ्री हो जाओ, मोलियर डायग्राम को साथ में रख के ये लेक्चर देखिएगा, और ये दोनों पॉइंट को आप भी ट्रेस करने की कोशिश कीजिएगा. आप खुद भी अपने हाथ से मोबाइल की स्क्रीन पे ट्रेस करने की कोशिश कीजिएगा. ओके, ये आ कहाँ पर रहा है? ओके, इसके लिए आप स्क्रीन रिकॉर्डर का भी यूज कर सकते हैं. एक स्क्रीन रिकॉर्डर आता है, आप स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज करेंगे ना, उसके अंदर एक ब्रश आएगा, रिकॉर्ड स्क्रीन वीडियो को यूज कीजिएगा. मैं स्क्रीन रिकॉर्डर की भी लिंक आपको भेज देता हूं,
उसको यूज करेंगे उसमें ब्रश आएगा, ब्रश आएगा तो आप इसी तरीके से मैंने जैसे कैसे यहाँ से लाइन ली है वैसे ही आप भी लाइन खींच पाओगे वहां पर ऑन योर स्क्रीन, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, अब आपको दोनों वैल्यू मिल गई, एच टू भी मिल गया, एच टू डैश भी मिल गया। अब आपको डिफाइन करना है दैट इज नंबर वन थिंग इज एच वर्क डन बाय द टर्बाइन टू। अब आपको डिफाइन करके आना है वर्क डन बाय द टर्बाइन टू इन नेक्स्ट लेक्चर इज हाउ मच। तो वर्क डन बाय द टर्बाइन टू वो होगा एच टू डबल डैश के लिए, सो एच टू डबल डैश इज इक्वल टू हाउ मच एंड एच थ्री इज इक्वल टू हाउ मच। कोई डाउट है अगर आपको इसके बारे में तो मुझे बोलिए तो मैं आपको सहायता कर देता हूं। अभी तक आपने जो भी सीखा है या फिर आप कर लेंगे, व्हाट डू यू थिंक? आपको ये दो टास्क मैं दे रहा हूं, एच टू डबल डैश एंड एच थ्री, किस तरीके से आप बाय यूजिंग मोलियर डायग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। एनी डाउट? कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या हो रहा है? ओके निषाद जी, कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ में यहां से वैल्यू लेके आगे स्टार्ट करूंगा। और अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं आपको जो रिकॉर्डर भेज रहा हूं, अगर आपने वैल्यू फाइंड आउट की तो मुझे वो वैल्यू रिकॉर्डेड वीडियो आपका भेजिएगा। कि मैंने इस तरीके से स्क्रीन को यूज किया, मैं आपको दोनों चीज भेज रहा हूं, स्क्रीन रिकॉर्डर भी भेज रहा हूं और वहां पर मैं थोड़ा सा एक बना के भी भेजूंगा कि किस तरीके से आप ब्रश का यूज कर सकते हो, तो आपको दोनों चीजें पता चलेगी। ओके, सो दैट इज योर सबमिशन, डिजिटल सबमिशन इन डिजिटल इंडिया। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी आज के लेक्चर में, आप क्या सीखे क्या नहीं सीखे, कोई डाउट है? लास्ट लेक्चर में एक थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हो गया था कि इकोनोमाइजर के फंक्शन को कौन थे, अमित जी ने बताया था कि इकोनोमाइजर के फंक्शन को वो रीजनरेटिव फीड वाटर हीटर समझ रहे थे। सो मैं आज तो अमित जी नहीं है, मगर अगर होते तो मैं उनको समझाता कि दैट इज कोल्ड इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर फ्लू गैसेस से गर्म होते हैं। देखिए रीहीट होना और इकोनोमाइजर का फंक्शन, वो दोनों चीजें फ्लू गैसेस से गर्म होने वाली चीज है। बट रीजनरेटिव सिस्टम मीन्स, रीजनरेटिव सिस्टम को आप इस तरीके से कह सकते हैं कि टर्बाइन के एग्जॉस्ट में जो स्टीम बची उसकी हीट का यूज करना, दैट इज कॉल्ड रीजनरेटिव। ऐसा जरूरी नहीं है कि टर्बाइन के एग्जॉस्ट में जो स्टीम बची उसका ही हमें यूज करना है, बट हम टर्बाइन में से भी थोड़ी सी हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ये दोनों चीजें जब यूज करते हैं तो उसे हम रीजनरेटिव सिस्टम कहते हैं, और जब हम टर्बाइन के आउटलेट को गर्म करते हैं फ्लू गैसेस से तो उसे हम रीहीट कहते हैं। एनी डाउट? थोड़ा सा ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं ना वो अभी अभी समझ में आना इतना जरूरी नहीं है, बट हाँ आप इसको बार बार देखेंगे, ये चैप्टर को देखेंगे और इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जब भी कोई भी पावर प्लांट की विजिट करेंगे तो आपके पास एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होगा कि द पावर प्लांट हाउ इट वर्क्स, कि पावर प्लांट में क्या क्या चीजें हो रही है। वहां पर ये सारी चीजें आपको दिखेगी, फीड वाटर हीटर दिखेगा वहां पर, आपको टर्बाइन्स दिखेंगे, रीहीट सिस्टम की पाइप दिखेगी, वो बोलेंगे कि ये रीहीट की पाइप है, तब आप समझेंगे ओके रीहीट मीन्स ये या तो हाई प्रेशर टर्बाइन या तो लो प्रेशर टर्बाइन से पाइप आ रही है और फ्लू गैसेस के पास जा रही है, तो आप ये विजुअलाइज कर पाएंगे। मगर ये सारी चीजों को सुनते रहिएगा, सुनते सुनते धीरे धीरे इमेजिनेशन क्रिएट होगी, इमेजिनेशन के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन भी करना है, तब जाके आप एक कंप्लीट पैकेज ऑफ इंजीनियर बनोगे। तो आई होप कि आप बहुत बड़े इंजीनियर बने और जल्दी से जल्दी बहुत सारे रुपये